हाय गाइस, वेलकम बैक टू नी टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं ओकिनावा के रिस 30 का फुल डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये ओकिनावा की सबसे लोअर वेरिएंट है, और इस गाड़ी में आपको ना ही आपको चाहिए हेलमेट, ना ही आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, और ना ही आपको चाहिए RC। ये तीनों ही चीज़ इस गाड़ी के लिए वैलिड नहीं है। आप विदाउट इन तीनों चीज़ के भी इस गाड़ी को आप ड्राइव कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको इसके इस फैक्सिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर की। मोटर इसमें 250 वॉट का दिया है, BLDC का मोटर है, वाटर प्रूफ मोटर है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की। इसकी टॉप स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेंज। एक बार फुल चार्ज होने पर इसकी बैटरी अप्रॉक्स 80 से 90 किलोमीटर का रेंज दे देती है, और जो इसमें बैटरी जो डाला गया है वह लेड एसिड वाली बैटरी है, जो पावर जनरेट करता है 60 वोल्ट 24 AH की, और इसमें 5 लेड एसिड की बैटरी दी गई है। एक बैटरी का पावर है अप्रोक्स 12, तो 5 × 12 आपका हो गया 60 वोल्ट हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग टाइम की। तो ये अप्रोक्स 4 to 5 hours में आपकी बैटरी को फुल कर देता है। और हम बात करते हैं इसकी लोड कैपेसिटी, तो इसमें आप आराम से 50 kg का लोड इसमें आप लेके आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। इसमें 17 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी व्हील की। इसमें व्हील जो दिए गए हैं 10 इंच के दिए गए हैं, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 150 mm, जो कि इस सेगमेंट की स्कूटी के लिए काफ़ी है। अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, ये सबसे मेन है। तो इसमें जो मोटर की वारंटी है वह 1.5 साल की है, बैटरी कंट्रोलर और चार्जर तीनों की वारंटी 1 साल है। और सबसे लास्ट में आती है इसकी प्राइस। इसकी प्राइस है 45,000 rupees है। पहले इस पर गवर्नमेंट हमको सब्सिडी हमको देती थी, मगर अभी कुछ ही महीनों से सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। वह केवल लिथियम आयन की जो बैटरीज आ रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ, उनमें गवर्नमेंट अभी सब्सिडी दे रही है। तो आपको ये अप्रॉक्स 45,000 का आपको पड़ जाएगा। सो गाइज, अभी हमने बात की इसकी इस फैक्विशिंग के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन के मामले में मैं इसको 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है रेड पे ब्लैक, वे देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी ऑसम ये लुक इसमें दे रहा है। आप इसको थोड़ा सा भी जज नहीं कर पाएंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। आपको अगर आप फर्स्ट टाइम इसको आप देखेंगे और दूर से देखेंगे, तो आपको यही लगेगा कि भाई ये कोई पेट्रोल वाली स्कूटी है। तो लुक के मामले में ओकिनावा वालों ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है, तो मैं उनको लुक के मामले में उनको 5 out of 5 नंबर दूंगा। सो गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी व्हील की। तो इसका जो व्हील है वह एल्युमिनियम एलॉय का व्हील बना है, और जो इसकी व्हील की साइज है वह 10 इंच है, जो कि एक लोअर वेरिएंट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए सफिशेंट है। और आप देख सकते हैं जो इसका हेडलैम्प है वो इसमें पूरा LED लाइट पूरी इसमें लगी गई है। तो ये LED लाइट आपको काफ़ी अंधेरे में भी आपको काफ़ी ब्राइट आपको रोशनी देती है। सो गाइज, अभी मैं आपको सामने का इसका स्पेसिंग आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो स्पेसिंग आप देख सकते हैं, एक छोटा सा इसमें बॉक्स टाइप का दिया गया है, मैंने चाबी की मदद से इसको खोल लिया है। तो यहाँ पे आप आराम से अपनी छोटी सी बोतल या कोई डायरी या कोई सामान फल फ्रूट आप यहाँ पे बड़े सेफ से रख सकते हैं। तो इन लॉक का फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई इसमें कोई पर्स भी आप इसमें रख के आप लॉक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा, फीचर लगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसकी सीट है वे सीट एवरेज से थोड़ी ऊपर आप बोल सकते हैं। तो सीट के मामले में भी ओकिनावा जो है वे धीरे धीरे काम कर रहा है, क्या पता वे हमारी वीडियोस देख के थोड़ा उनको फीडबैक मिलता होगा। और अभी मैं बात करता हूँ इसका बूट स्पेस का। तो इसमें अप्रोक्स 17 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, और इसी के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैटरी पूरी इसमें सेट की गई है। तो 17 लीटर का जो इसमें बूट स्पेस दिया गया है वह किसी भी लोअर वेरिएंट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी में इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं दिया गया। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसमें आप एक छोटा सा हेलमेट भी आप इसमें रख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये है इसका एक नॉर्मल चार्जर। तो इससे अगर आप अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो अप्रॉक्स आपकी बैटरी 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपके पास लेड एसिड वाली बैटरी है, मगर वे 4 से 5 घंटे में ही आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। लेड एसिड वाली बैटरी होने के बावजूद भी इसकी जो बैटरी है वो मात्र 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाती है।
सो गाइज अभी मैं चाबी को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसका डिजिटल मीटर आप कैसे दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको बैटरी का इंडिकेशन आ रहा है और यहाँ पे स्पीड का भी आपको दिखाई दे रहा है कितनी आपकी स्पीड है। तो मैंने धीरे धीरे मैं रेस दे रहा हूँ तो अप्रॉक्स 34-35 तक इसकी जो स्पीड है वह जा रही है। तो ये स्पीड है खड़े होकर इसकी स्पीड जा रही है 35 तक। तो अभी हम दो लोग इस पर बैठ के इसका हम टेस्ट राइड हम लेंगे कि एक्चुअल में इसमें कितना है दम, क्योंकि ये एक लोअर वेरियंट वाली स्कूटी है। तो जो हम इस पर दो बंदे बैठ के इसकी पूरी हम राइड लें, फ्रेंड बैठे हैं इनका वेट अप्रॉक्स 80 के आसपास होगा और मेरा है 65-86। तो हम अप्रॉक्स 150 वेट के साथ हम इस स्कूटी में बैठ के इसका हम राइड लेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम दोनों का वेट 150 है तो एक लोअर वेरियंट वाली स्कूटी में 150 काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये ठीक से चल पाती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इसकी जो स्पीड है वो 28 है, तो ये हल्की सी चढ़ाई आप देख सकते हैं। और ये जो चढ़ाई है ये काफ़ी आराम से इसने ये एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ ली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका पाँव रखने का जगह है वो काफ़ी है। तो जो मेरे फ्रेंड हैं उनकी हाइट अप्रोक्स 6 फीट के आसपास है, तो 6 फीट वाला भी बंदा इसमें आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। तो अभी जो रोड है वो बिल्कुल प्लेन हो गई है, आप देख सकते हैं कि हम एक पुल के ऊपर जा रहे हैं और ये अप्रोक्स 29-30 तक ये स्पीड टेस्ट कर रही है। अभी देखिए ये 31 हो गया है। तो वहीं अगर आप अकेले अगर बैठ के जा रहे हैं तो अप्रोक्स इसका जो इसकी टॉप स्पीड है आपको 34-35 तक ये दे देगी। तो परफॉर्मेंस वाइज ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ये एक लोअर वेरिएंट की इलेक्ट्रिक स्कूटी होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस में मेरे को कोई कमी नज़र नहीं आई। बस शर्ते ये है कि आप इसमें जो स्पीड है वह अगर आप दो लोगों के साथ बैठे हैं तो ये केवल स्पीड 30 तक ही रहेगी। आप ये मत समझिए कि जो इसकी स्पीड है वह 40-50-60 तक जाएगी। ये एक लोअर वेरिएंट की स्कूटी है, तो जो लोअर वेरिएंट में जो स्कूटी होती है उसकी स्पीड जो 30-35 के अंदर ही होती है, वे ज़्यादा स्पीड वाली इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी होती नहीं है। तो परफॉर्मेंस में मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। हम दो बंदे बैठे हैं, 150 kg हम दोनों का वेट है और बड़े ही आराम से ये बहुत स्मूथ चल। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। तो इसमें टेलीस्कोपिक वाला सस्पेंशन दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर हम कोई खड्डे या किसी ब्रेकर के ऊपर से भी होके गुजरते हैं तो इसके जो खड्डे या ब्रेकर झटके होते हैं इसके सॉकेट्स काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो गाइज अब हम बात करते हैं कि ये स्कूटी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप ये स्कूटी आप अपने बच्चों को अगर आप देना चाहते हैं या आप अपनी मैडम को देना चाहते हैं या आप अपने मदर या फादर को देना चाहते हैं तो उनके लिए ये स्कूटी बेस्ट है। क्योंकि एक तो जो इसका रेंज है वे रेंज भी आपको 80-90 किलोमीटर का रेंज मिल जा रहा है, जो कि इस लोअर वेरियंट वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी में कोई भी कंपनी इतना लंबा रेंज नहीं दे रही है। और साथ में इसमें आपको हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, ये तीनों चीज़ आपको नहीं चाहिए होता है। सो गाइस अगर वहीं हम बात करें कि ये आपको स्कूटी क्यों नहीं लेना चाहिए, तो सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है वे इसका लेड एसिड बैटरी है। इसमें हमको लिथियम बैटरी नहीं मिल रही है और प्लस अगर आपको स्पीड से प्यार है तो ये स्कूटी आपके लिए नहीं बनी है। और अगर आपको पावर काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो भी आपको ये स्कूटी आपके लिए नहीं बनी है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्द लौटूँ इसे वीडियो उसी जानकारी साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।